अमेज़ॉन सेंड मनी ट्रांजेक्शन फील्ड। जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत दिनों से ना कई लोगों को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, जिसमें नॉर्मली जब भी वो अमेज़ॉन से सेंड मनी कर रहे हैं, मतलब अमेज़ॉन यूपीआई के थ्रू जब वो पैसा किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड बाय द बेनिफिशरी बैंक, कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है वो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि ट्रांजेक्शन फेल्ड, योर ट्रांजेक्शन वॉज डिक्लाइंड बाय द बेनिफिशरी बैंक, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, ऐसा करके ये दिखा रहा है। ठीक है, सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे, मतलब आप इस जो ट्रांजेक्शन बार बार फेल हो रहा है, इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, किससे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं गाइज। ठीक है, मैंने लाइव चैट भी किया है कस्टमर सपोर्ट से, और वो चैट भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइज, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये ना हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे ना आपको बहुत सारे मनी अर्निंग ऐप्स, फ्री शॉपिंग ऐप्स और गेमिंग अर्निंग ऐप्स वगैरह मिल जाएंगे, जिसपे सिंपली आपको कुछ गेम्स वगैरह खेलने होंगे और उससे आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड, फ्री फूड ऑफ़र, लाइक अभी एक स्विगी का ऑफ़र आया था जिसमें सभी लोग को 75 रुपीज़ फ्री में मिल रहा था, तो उसका ऑफ़र भी मैंने बताया था कि कैसे गेम खेलना है और 75 रुपीज़ मिल जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे मतलब ऑफ़र्स वगैरह, जो IPL पे अर्निंग ऐप्स आएंगे, फैंटेसी अर्निंग ऐप्स जिसमें 100% बोनस वगैरह यूज़ हो जाता है, तो ऐसे भी ऐप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे गाइस। और यहाँ पर आपको बहुत सारी अर्निंग ट्रिक्स, फ्री शॉपिंग ट्रिक्स देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट का अप 2000 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड कैसे जीते, इसके भी मैंने ट्रिक्स वगैरह दिए हैं। सो गाइज, जल्दी से आप ना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, तो आप ढेर सारी अर्निंग कर सकते हैं गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने चैट स्टार्ट कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि अमेज़ॉन पे बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे वो नहीं, एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे अमेज़ॉन पे UPI से प्रॉब्लम है, क्योंकि सेंड मनी जब कर रहा हूँ मैं तो पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं पेमेंट एंड गिफ्ट कार्ड्स पे क्लिक कर देता हूँ। सो अभी समथिंग एल्स में डाल देता हूँ, तो उनका जो मेन असिस्टेंट रहेगा सर्विस चैट का, जो कस्टमर सर्विस का, वो आ जाएगा। सो चैट विद कस्टमर सर्विस आप देख सकते हैं कि, तो अभी देख सकते हैं कि एक एसोसिएट ज्वाइन होगा चैट में अभी, तो हम उससे अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो पूछेंगे कि क्या हो सकता है। तो देख सकते ज्वाइन हो चुके हैं, जो भी है नेहा नाम है शायद, तो ये मेरा नहीं, एक्चुअली घर में दूसरे फैमिली मेम्बर का अकाउंट है, तो मैं उसी से, मतलब उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसी के थ्रू ये चैट वगैरह कर रहा हूँ। तो ये पूछ रहे कि आई एम नेहा, आई विल बी हेल्पिंग यू टुडे, तो मैंने बता दिया भाई कि जब मैं सेंडिंग मनी कर रहा हूँ अमेज़ॉन पे UPI से, तो ये बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन डिक्लाइन बाय द बेनिफिशियरी बैंक, ऐसा क्यों बता रहा है। ठीक है, सो अभी इनका क्या रिप्लाई आ रहा है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपोलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, हाउएवर आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव ऑलरेडी एस्केलेटेड द इश्यू रिगार्डिंग UPI ट्रांजेक्शन, आई वॉन्ट टू एश्योर यू दैट द इश्यू वुड गेट सॉर्टेड सून। ये कह रहे कि मतलब कि UPI ट्रांजेक्शन हमने ऑलरेडी ये इश्यू देखा है, बहुत लोगों का मतलब पता चला है हमें, और ये इश्यू जल्द ही सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम एग्जैक्ट कोई डेट हम बता नहीं सकते, लेकिन ये इश्यू जल्द ही रिसॉल्व हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे कि ट्राई अगेन करें एटलीस्ट 48 आवर्स के बाद। ठीक है, सो आई विश आई कुड रिजॉल्व इट, तो मैं बोल देता हूँ भाई ठीक है भाई, लेकिन ये क्या लिखा है, आई विश आई कुड रिजॉल्व इट नाउ बट आई एम अफ्रेड, वो डर रही है, तो मैं बता देता हूँ कि नहीं, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैं 48 आवर्स के बाद ट्राई कर लूँगा। ठीक है, तो यही, अभी तो अभी कुछ कर नहीं सकते, सभी को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है कि उनके ही कुछ प्रॉब्लम हो, तो 48 आवर्स के बाद अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो आई थिंक हो जाएगा। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको लाइव कस्टमर सपोर्ट के साथ चैट किया, और उन्होंने ये कहा कि ऑलमोस्ट ये सभी, बहुत सारे यूज़र्स को ये इश्यू फेस हो रहा है, तो आप एटलीस्ट 48 आवर्स के बाद ट्राई कीजिए। ठीक है, तो वो 48 आवर्स के बाद तो आप ट्राई करना ही, लेकिन एक टेम्प्रोरी आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, अमेज़ॉन पे UPI पे क्लिक करना है, और अपना ना आपको करना क्या है कि नॉर्मली ये पेटीएम बैंक में नॉर्मली ज़्यादातर फेस हो रहा है, या तो दूसरे बैंक में भी फेस हो रहा है, बट तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको सिंपली ना थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और यह लिंक्ड बैंक अकाउंट दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस बैंक अकाउंट को हटा के, यहाँ मोर बैंक अकाउंट ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो उससे ना आपको जाकर एक न्यू बैंक अकाउंट ऐड कर देना, अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे है मनी सेंड वगैरह करना है और ऐसे डिक्लाइन हो जा रहा है, तो आप कहिए जिसे भी आप सेंड मनी कर रहे हैं ना, लाइक अपने
घर में किसी को कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को किसी को कर रहे हैं मनी सेंड, तो आप उसे कहिए कि भाई अपना जो बैंक अकाउंट है प्लीज़ उसे थोड़ा दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक कर दें अमेज़ॉन को, क्योंकि सेंड मनी में जब कर रहा हो तो ये सेंड मनी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसे कहिए कि थोड़े देर के लिए, मतलब कि एक दो दिनों के लिए ही अपना बैंक अकाउंट का ये डिटेल्स वगैरह मतलब चेंज कर दे, लिंक अकाउंट चेंज कर दे, सो आप सेंड मनी कर सकते हैं। और जैसे ये इश्यू जल्द ही रिसॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और अर्निंग भी कीजिए, और साथ ही साथ ये सॉल्यूशन हो जाएगा तो मैं उसका अपडेट भी आपको दे दूंगा गाइस।